नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। भारत के लिबरल्स, फेमिनिस्ट और सेक्युलर्स रोहिंग्याना इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं और वही भारत के लिबरल्स, फेमिनिस्ट और सेक्युलर्स कोविड सेकेंड वेव के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये कह के कि भारत के हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं है, मेडिकल ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि भारत के रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहला हक भारत के नागरिकों को होना चाहिए। वो भारत के नागरिक जिनका एनरोलमेंट होना चाहिए इन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, मगर भारत के नागरिक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में एनरोल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के खिलाफ आंदोलन करता है लिबरल गैंग, सेक्युलर गैंग, वो लिबरल और सेक्युलर गैंग जो रोहिंग्यानास के साथ हमदर्दी रखता है बिकॉज ऑफ इंसानियत। तो आज की तारीख में वही लिबरल गैंग, सेक्युलर गैंग को समझना चाहिए कि भारत के जो रिसोर्सेज है वो इक्वली या अनइवनली पहले जा रहे होंगे रोहिंग्यानास के पास और फिर आपके बच्चों के पास, बिकॉज आपने ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की मांग के ऊपर समर्थन नहीं किया जो केंद्रीय सरकार ने रखा था। ये कह के मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूं कि जो लोग 10-15 बच्चे पैदा करते हैं वो लोग जानबूझ के भारत के रिसोर्सेज को अटैक कर रहे हैं पॉपुलेशन जिहाद के एंगल से, जो गलत है। भारत के अंदर सभी धर्मों के लोगों को इक्वल राइट्स होना चाहिए ऑन भारत के रिसोर्सेज। सिमिलरली ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए ऑन सुंदरवन के रिसोर्सेज, जो एक छोटी सी सोसाइटी है अहमदाबाद के अंदर। रिसोर्सेज के ऊपर सबका इक्वल हक होना चाहिए और वो हक को एग्जीक्यूट करने के लिए रूल्स होने चाहिए जो रूल्स इक्वली सबके ऊपर लागू हो। सिमिलरली भारत के अंदर भारत के रिसोर्सेज के ऊपर हक सबसे पहले भारतीय लोगों का होना चाहिए, भारतीय लोगों के बच्चों का होना चाहिए। उसके लिए एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि भारतीय लोग कौन है, एंड फॉर दैट वी नीड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। मगर ये मांग के ऊपर अड़चन पहुंचाई सेक्युलर्स, लिबरल्स और फेमिनिस्ट ने, जो आज की तारीख में कह रहे हैं कि भारत के रिसोर्सेज में हॉस्पिटल्स की कमी है, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की कमी है, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है। एक्सक्यूज मी, मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए कि भारत के रिसोर्सेज के ऊपर कौन सबसे पहले अपना हक जमाता है, रोहिंग्यानास या भारतीय लोग? क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस नहीं है। ये एक थप्पड़ है उन सेक्युलर्स और लिबरल्स के लिए जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के विरोध में खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो केंद्रीय सरकार की सजेशन थी। नमस्ते, जय हिंद।